गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास वन हिंदी बुक का चैप्टर नंबर 9 मेला रीडिंग करेंगे। मेला के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, बिशन के घर के पास दशहरा मैदान में मेला लगा था। उसके चचेरे भाई बहन प्रशांत और अनीता भी मेला देखने आए थे। सभी मिलकर शाम के समय मेला देखने गए। विशन के घर के पास दशहरा मैदान में क्या लगा था? मेला लगा था। और मेले में कौन कौन आए थे? उसके चचेरे भाई बहन प्रशांत और अनीता। देखो, वो सब लोग मिलके मेला देखने के लिए गए। फिर क्या हुआ? देखो, मेले में बहुत भीड़ थी। वहाँ पर तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। कुछ दुकानों पर सुंदर सुंदर खिलौने सजे हुए थे। विशन ने बैटरी से चलने वाली कार, प्रशांत ने मोटर बाइक और अनीता ने जापानी गुड़िया खरीदी। वहाँ पे मेले में क्या थी? बहुत भीड़ थी और बहुत सारी चीज़ें बिक रही थी। दुकानों में बहुत सारे खिलौने भी थे। और ये तीनों जो गए थे, कौन कौन गए थे? विशन, प्रशांत और अनीता, वो तीनों भी कुछ कुछ सामान खरीदे। क्या खरीदे? देखो, विशन ने खरीदा बैटरी से चलने वाली कार। ये बैटरी से चलने वाली ये कार विशन ने खरीदा। और प्रशांत ने क्या खरीदा? मोटर बाइक। और अनीता ने जापानी गुड़िया। देन देखो, चारों ओर लाउड स्पीकर का शोर हो रहा था। मेले में तरह तरह के झूले लगे हुए थे। सब बच्चे ने मिलकर झूला भी झूला। एक मिठाई की दुकान में उन्होंने मिठाइयाँ खाई। मेले में गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा था। सब बच्चे ने गुब्बारे खरीदे। वो चार ये मेला में लाउड स्पीकर की शोर हो रहा था बहुत ज़ोर से। और तरह तरह के झूले भी लगे थे। मेला में झूला लगता है। और ये सारे बच्चे जो मेले में देखने घूमने गए थे, ये सारे झूला पर झूले और बहुत सारे मिठाई खाई। और मेला में क्या था? एक गुब्बारे वाला बैलून वाला था, उसके पास से ये सारे लोग बैलून भी लिए, ठीक है। देखो पेज नंबर 34। एक स्थान पर मेले में खेल तमाशा भी हो रहा था। खेल तमाशा मतलब क्या है? तमाशा मतलब वह खेल जिसे देखने में प्रसन्न हो। तमाशा मतलब जो हमको देखने में आनंद हो, खुशी हो। सब बच्चों ने मिलकर जादू का खेल देखा। जादूगर बड़े निराले खेल दिखा रहा था। खेल देखते समय नन्ही अनीता का हाथ अपनी माँ के साथ माँ के हाथ से छूट गया। ये एक जादूगर है, देखो पिक्चर में है जे, ये जादूगर है, ये जादूगरी दिखा रहा था। बस बहुत सारे निराले खेल दिखा रहे थे। निराला मतलब अनोखा अनोखा, ठीक है। और ये सब लोग ये मेले में ये देखने गए। और फिर क्या हुआ पता है? वहाँ पे नन्ही अनीता का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट गया। वहाँ पे नन्ही अनीता जो थी, उसका हाथ अपने माँ के हाथ से छूट गया। अनीता वहाँ भीड़ में खो गई। उसके बाद अनीता वो बहुत मेले में बहुत सारे भीड़ थे, वो मेले में अनीता खो गई। सब लोग उसे ढूंढने लगे। उसके बाद अनीता खोने के बाद अनीता को सब लोग परेशान हो गए घर में। और सब लोग मिलके अनीता को ढूंढने लगे। बहुत खिलौने की एक दुकान पर खड़ी होकर नाचते हुए भालू को देख रही थी। उसकी माँ की नज़र उस पर पड़ी। माँ को देख अनीता उससे लिपट गई। देखो, अनीता कहाँ पे थी? एक खिलौने की दुकान पर नाचते हुए भालू को देख रही थी। और उसके अनीता के माँ का नज़र अनीता के ऊपर पड़ गया। तो अनीता की माँ अनीता के पास गए और माँ को देखकर अनीता उससे लिपट गई। अनीता माँ से लिपट गई। फिर उसकी माँ ने उसे समझाया कि इसी तरह मेले में हाथ छोड़कर इधर उधर नहीं जाते। उसके बाद अनीता के माँ ने उसको समझाया कि मेले में हाथ छोड़कर इधर उधर नहीं जाते। और अंत में क्या हुआ? सब लोग कठपुतली का खेल, कठपुतली मतलब क्या है? काट की गुड़िया, कठपुतली का खेल देखा। और खेल देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी घर वापस आ गए। वो सारे बहुत मस्ती किए, खाए, बैलून खरीदे, झूला झूला और अपने अपने घर में खुशी खुशी आ गए।
इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिली? जब बच्चे भीड़ जगह पे जाए तो भीड़ भाड़ के समय पे अपने माता पिता का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। ठीक है, ये अनीता मिल गई, खो भी जा सकती थी, इसीलिए हमें सबके साथ जाना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर फिर वापस आना चाहिए। थैंक यू।